ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम भारतीय कला में शिल्पियों का योगदान। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के ख्यातनाम विद्वान डॉक्टर रमानाथ मिश्र। आप जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर और इसके अलावा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के फेलो भी रहे हैं। इस कार्यक्रम का अकादमिक समन्वय किया है डॉक्टर सुष्मिता पांडे ने। ध्वनि अंकन संपादन और कार्यक्रम का निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारतीय कला में शिल्पियों का योगदान। मालवा के अनेक प्रतिमाएं हैं जिनमें वाग्देवी भी उल्लेखनीय है, जो धारा से प्राप्त हुई है, और ये वाग्देवी अब लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में स्थापित है। मूर्ति पर अभिलेख है जिस पर इसके निर्माणकर्ता का भी नाम प्राप्त होता है। निर्माणकर्ता से तात्पर्य है कलाकारों का या कलाकार का जिसने मूर्तियों का निर्माण किया। और मध्य प्रदेश की कला का एक रोचक प्रसंग यह है कि यहाँ पर कलाकारों से संबंधित या शिल्पियों से संबंधित व्याख्या या सूचना हमें बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़े लेवल पर प्राप्त है। यदि हम कलाकारों की व्याख्या करें तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये सारी निर्मिति इनके ही हाथों से हुई है। इनके अनेक उल्लेख हमें अभिलेखों में प्राप्त होते हैं, चाहे अभिलेख किसी भी क्षेत्र हों, लगभग सभी क्षेत्रों से प्राप्त अभिलेखों में उनके कलाकारों का हमें नाम प्राप्त होता है। यदि अभिलेखों को देखें तो इन अभिलेखों के आधार पर हम जो ये चार विभक्तियाँ मानते हैं, जिजागभुक्ति, गोपाद्री, मालवा और अन्य, इन सब क्षेत्रों के जो अभिलेख हैं उनमें इनके कलाकार उल्लेखित हैं। साथ में ही एक महत्वपूर्ण परिवार का उल्लेख भी हमें मिलता है जिसका इतिहास लगभग 1000 वर्षों तक सुरक्षित रहा। ये परिवार था कोकास परिवार। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अभिलेखों के स्रोतों में सतना के पास अल्लाह घाट नामक स्थान से प्राप्त एक अभिलेख में हुआ है। इसका उल्लेख बहुत पहले कनिंघम ने किया था, जिसमें एक संगठन का उल्लेख मिलता है जिस संगठन का एक सदस्य कोकास था। इस अभिलेख की तिथि 1159 ईस्वी है। इसके बाद कोकास के साथ पल्हण नामक कलाकार का उल्लेख है। इसका विवरण हमें चंदेलों के चार अभिलेखों में प्राप्त होता है, जिसमें ऐसा विवरण मिलता है कि इस कलाकार ने, जो कोकास वंशीय रहा होगा, एक रीतिकार के रूप में अपनी जीवन प्रक्रिया प्रारंभ की, कैरियर प्रारंभ किया, और उसके बाद क्रमशः वह शिल्पी और वैज्ञानिक नामक पदवियों पर स्थापित हुआ। सूत्रधार, जो शिल्पियों की सबसे बड़ी उपाधि थी, ये उपाधि उसे नहीं मिली, जबकि अन्य अभिलेखों से विभिन्न सूत्रधारों के नाम हमें उपलब्ध हैं। जैसे खजुराहो के एक अभिलेख में छिच्छा नाम के एक सूत्रधार का उल्लेख है। जहाँ तक कोकास वंश का संबंध है, कोकास वंश के एक अन्य कलाकार का नाम हमें जबलपुर के पास के एक अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें पालहण के पुत्र तालहण का उल्लेख है, और इसे भी कोकास वंश का बताया गया है।
कोकास वंश का 15वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के अभिलेख से उल्लेख मिलता है, जिस अभिलेख में इस वंश की और इस वंश के कलाकारों की एक प्रशस्ति है। इसमें विश्वकर्मा की प्रार्थना से प्रारंभ हुआ यह लेख वाहर नामक राजा के समय का अभिलेख है, जिसमें कहा गया है कि छीतकु जो कोकास वंश का कुलदीपक था, उसका परिवार और उसकी कुशलताओं का इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। जैसे कहा गया है कि ये रचना में नारायण जैसा सिद्धस्थ था, पटु था, ये विभिन्न माध्यमों में मूर्तियों का निर्माण कर सकता था, जिसमें पाषाण और मेटल या धातु आदि का भी उल्लेख है। संगीत का उसे ज्ञान था, वंक और त्रिवंक नामक संगीत के जो उपादान थे उनमें उसे कुशलता प्राप्त थी, और इस भांति उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है। ताल मान का भी उसे ज्ञान था और छह विभिन्न विधाओं का, शिल्प से संबंधित छह विभिन्न विधाओं का महत्वपूर्ण ज्ञान था। इस अभिलेख में उसके भाई का भी उल्लेख है, जिसको कहा गया है कि वह शास्त्र जपी था, अर्थात ऐसा जिसे शास्त्र का भी ज्ञान था। शास्त्र का संबंध संभवतः यहाँ पर शिल्प शास्त्रों से किया जा सकता है। शास्त्रों का मूल रूप में जो अर्थ है उसके बजाय शिल्प शास्त्र से इसका संबंध प्रतीत होता है। इस कोकास वंश की सूचना हमें अन्यत्र भी प्राप्त होती है, जैसे यानी ये जो हमने सूचनाएं दी 1167 से लेकर के 15वीं शताब्दी तक की हैं, लेकिन यदि साहित्य में इस नाम की खोज की जाए तो इससे पहले के साहित्य में भी इस नाम का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ वासुदेव हिंदी में कोकास नामक कलाकार का उल्लेख है। जैन ग्रंथों में अन्य ग्रंथों में जैसे आवश्यक सूत्र, आवश्यक चूर्णी आदि नामक ग्रंथों में भी एक कलाकार का उल्लेख है जिसका नाम कोकास बताया गया है, और वो यंत्र विद्या में भी विशिष्ट था। बाद में महाराष्ट्र के महानुभाव संप्रदाय के ग्रंथों में, लीलावती आदि ग्रंथों में भी इस कलाकार और इसके वंश का उल्लेख मिलता है, जिसमें इसे कहा गया है कि वो वर्धकी या बढ़ई था। और महानुभाव संप्रदाय के ग्रंथों में ये भी उल्लेख मिलता है कि इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 4वीं-5वीं ईस्वी शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक जिस कलाकार के वंश के बारे में ज्ञान होता है, ये अपने में एक विलक्षण उपलब्धि है, और इससे प्राचीन भारतीय परंपरा में कलाकारों के संदर्भ में जो भी हमें ज्ञान उपलब्ध है, इससे कला के अध्ययन की नई सीमाएं या उनके नए फ्रंटियर्स स्थापित किए जा सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग कलाकारों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जैसे मालवा का सीहट या खजुराहो का छिच्छा या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखित ऐसे ही अन्य कलाकार जिनके विषय में अब अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं। इनसे प्रतीत होता है कि ये कलाकार अपने गुणों में या अपने कला में कुशल थे, ये इन्हें संरक्षण प्राप्त था, कुछ तो राजा के बड़े प्रिय थे, और ये या तो केवल कार्मिकों के नाम पर या उपाधिधारी सम्माननीय कुशल व्यक्तियों के रूप में उस क्षेत्र में ज्ञात रहे हैं। इनकी पदवियों में चार पदवियां उल्लेखनीय हैं। एक तो रूपकार, अर्थात वे जो रूप के निर्माण में कुशल हों और उसके निर्माणकर्ता हों। दूसरा इससे ऊपर की पदवी थी शिल्पी। तीसरी उससे भी ऊपर की पदवी थी वैज्ञानिक, जो शास्त्र का ज्ञान रखते हों और साथ में शिल्प का भी ज्ञान रखते हों। और सूत्रधार वो पदवी थी जिस पदवी को प्राप्त करने के बाद कलाकार संपूर्ण निर्माण की योजना का प्रमुख होता था। मूर्तियों को कहाँ पर स्थापित करना है, किस भवन को किस भांति बनाना है, पूरी संयोजना किस भांति करनी है और संपूर्ण भवन या निर्माण का समाहार किस भांति किया जाए, ये सारा कार्य सूत्रधारों के हाथ में रहता था। ऐसे अनेक सूत्रधारों के नाम हमें विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हैं, और इनमें कहीं कोई संशय इसलिए नहीं है कि ये अभिलेखों में उल्लिखित हैं, और कहीं कहीं तो इन शिल्पियों के नाम मूर्तियों पर प्राप्त जो अभिलेख हैं उनमें भी मिलते हैं। ये प्रमाण मध्य प्रदेश की कला को अनामा बनाने की जो प्रवृत्ति रही है इसके विरुद्ध भी हैं, जिसके आधार पर कुछ अंशों तक विभिन्न कलाकारों के क्षेत्र, उनकी निर्मितियाँ अब स्थापित करना अपेक्षाकृत सरल है। इन कलाकारों के संदर्भ में एक अप्रत्यक्ष जानकारी और मिलती है। मंदिरों पर अनेक स्थलों में, खजुराहो में या अन्य स्थानों पर हमें
शिल्पी चिन्ह प्राप्त होते हैं। शुक्र नीति सार नामक ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि शिल्पियों के अपने जो वर्ग थे उनके चिन्ह होने चाहिए, और ऐसे चिन्ह हमें शिल्पियों के वर्ग की ओर संकेत करते हैं, उनकी गिल्ड्स या उनकी श्रेणियों की ओर संकेत करते हैं, जो हमारे लिए कला के अध्ययन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में सहायक हैं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम भारतीय कला में शिल्पियों का योगदान। इसे प्रस्तुत कर रहे थे जाने माने प्राचीन भारतीय इतिहासकार डॉक्टर रमानाथ मिश्र। अकादमिक समन्वयन किया डॉक्टर सुष्मिता पांडे ने। उद्घोषक थे डॉक्टर कौशल शर्मा। कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।